हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विदाउट एनी डाउट। आई एम खुशहाली हियर। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू है। पार्ट वन के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, हमने बेसिक कंसेप्ट भी समझ लिया था कि इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, सो जिन्होंने भी पार्ट वन देखा हुआ है उनको पार्ट टू ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। सो अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके पहले पार्ट वन देखिएगा, उसके बाद में पार्ट टू देखिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, जनरली सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे 6 है, उसके और 99 के दोनों के ही जो इजी फैक्टर्स है वो हम लिख लेते हैं। क्या हो गए 6 के फैक्टर्स, 3 2 6। ओके, 99 के फैक्टर्स क्या होंगे, 11 9 99 होते हैं, 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 into 3। ओके, सो ये हमें फैक्टर्स मिल गए। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमें हमारे जो फैक्टर्स मिले हैं उसको हम प्लस या तो माइनस करके कोशिश करते हैं ये बीच वाली टर्म को फाइंड आउट करने की। ओके, यानी कि हमें 49 चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए, जब भी हमें प्लस प्लस या तो माइनस प्लस वाला इक्वेशन दिया गया है तब हमें फैक्टर्स को ऐड करके आंसर मिलेगा। ओके, और जब भी हमें प्लस माइनस एंड माइनस माइनस वाला इक्वेशन दिया गया होगा तब हमें सब्स्ट्रैक्ट करके इक्वेशन का आंसर मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें माइनस प्लस, सो जब माइनस प्लस होगा तो हमें क्या मिलेगा आंसर, एडिशन करके आंसर मिलेगा। ओके, तो हम देखते हैं कि इसको ऐड करके कैसे हम 49 ला सकते हैं। तो देखिए, 3 into 3 into 3 क्या हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा, 11 2 22। तो सो 27 + 22 हमें 49 मिल गया। ओके, सो हमारे फैक्टर्स मिल गए हैं हमें। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे 6 है, दोनों को ही हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमें, ये 3 से 2 बार चला जाएगा, ये 9 times। ओके, यानी 9/2 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे 2 से ये 11 बार चला जाएगा, ये 2 से 3 बार। ओके, यानी 11/3 मिल गया हमें। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, सिर्फ साइन अलॉट करना है। जब भी हमारा माइनस प्लस होगा हमें पता है हमारे दोनों ही इक्वेशंस पॉजिटिव होंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं है, सो हम यहाँ पे 1 अज्यूम करेंगे। सो 1 के फैक्टर 1 एंड 24 के इजी फैक्टर्स क्या होंगे, 6 4 24, 6 के फैक्टर 3 2 6 एंड 4 के फैक्टर्स 2 into 2। ओके, सो फैक्टर्स मिल गए। यहाँ पे माइनस माइनस है, हमें पता है माइनस माइनस होता होगा तो सब्सट्रैक्ट करके हमें आंसर मिलेगा। तो देखते हैं इसको सब्सट्रैक्ट करके कैसे हम 10 ला सकते हैं। देखिए, 3 2 6 2 12। ओके, 12 and 2 1 2। देखिए, 12 में से 2 चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, 10 मिल जाएगा। ओके, सो हमें फैक्टर्स भी मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों को ही वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। यहाँ 1 है, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा। ओके, अब इसे हमें साइन देना है। यहाँ पे माइनस माइनस है, हमें पता है माइनस माइनस होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला प्लस एंड छोटा वाला माइनस। ओके, सो अब हमें एक्स के रूट्स मिल गए हैं और y के भी रूट्स मिल गए हैं। ओके, अब हमें इसको कंपेयर करना है, कर लेते हैं। कैसे करते हैं, हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर x की वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, देखिए, तो 9/2 है हमारा एंड 11/3। तो अब क्या होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट में ला देंगे। देखिए, 9/2 क्या हो जाएगा हमारा, 4.5 एंड 11/3 क्या होगा, अप्रोक्सली 3.6 समथिंग होगा। ओके, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। सो 4.5 है फर्स्ट वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सेकंड वैल्यू क्या है, 3.6, इससे छोटी है, सो मैं इसको पीछे रखूंगी। ठीक है, वाई की वैल्यू देख लेते हैं, एक क्या है, 12 है वैल्यू, इससे बड़ी है, सो मैंने आगे लिखा, सेकंड -2 सबसे छोटी है, पीछे लिखेंगे। ठीक है, देखिए, अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि इन दोनों के बीच में ये दोनों वैल्यूज आ रही है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी दो वैल्यू के बीच में एक वैल्यू आएगी तो हमारा आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256। सो एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, 256 का अंडर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें पता है 256 जो है 16 का स्क्वायर होगा। सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि इसका आंसर 16 होगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि इसका आंसर +16 एंड -16 दोनों होगा। ओके,
क्यों होगा ऐसा? देखिए, अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 256। अगर हम माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फिर भी हमें 256 मिलेगा। ओके, तो जब भी हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है और सामने कोई भी डिजिट दिए गए हैं तो उसका आंसर प्लस एंड माइनस दोनों होगा। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। y की वैल्यू दी गई है हमें 256 के ऊपर 1/2 दिया गया है। ओके, 1/2 मतलब कि इसको हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। सो इसकी वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, 16 का स्क्वायर 256। ओके, लेकिन ये सिर्फ हमारा प्लस होगा, राइट? तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाला ये पॉइंट मिल रहा है कि जब भी हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर या तो वाई स्क्वायर दिया गया है और सामने हमें कोई डिजिट दिए गए हैं तो उसको हमें अंडर रूट करना है और उसकी हमें दो वैल्यूज लेनी है, एक प्लस एंड एक माइनस। ओके, एंड जब भी सिंपली एक्स या तो वाई दिया गया है और सामने हमें कोई डिजिट दिए गए हैं अंडर रूट में तो उसका आंसर सिर्फ एक ही होगा। अगर हमें क्वेश्चन में प्लस दिया गया है तो उसका आंसर भी प्लस होगा, अगर हमें यहाँ पे माइनस दिया गया है तो उसका आंसर माइनस होगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू डिजिट्स दिए हुए हैं तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? हमें इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसका क्यूब रूट क्या होगा। यहाँ पे 4 है, सो 4 होगा। लास्ट थ्री डिजिट्स हम इग्नोर करेंगे। ये 13 जो है हमारा 2 एंड 3 के क्यूब्स के बीच में आ रहा है, उसमें से हम छोटा वाला पिक करेंगे यानी 2। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या मिल गया हमें? 24। ओके, और इसका क्यूब रूट मैंने कैसे निकाला? अगर आपको इसकी टेक्निक नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं एक सेकंड के अंदर। ओके, अब हम देख लेते हैं सेकंड क्या है। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289, राइट? सो 289 जो है हमें पता है कि 17 का स्क्वायर है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 17 एंड माइनस 17 दोनों। ओके, ये जो है वो सेम ये वाला क्वेश्चन है वैसा ही है। ओके, सो अब हमें दो आंसर्स मिल गए। अब हमें सिंपली कंपेयर करना है। आप देख सकते हो कि जो y है हमारा दोनों ही केसेस में x से क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। सो x इज ग्रेटर देन y, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें इक्वेशन की दोनों तरफ टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जब भी हमें इक्वेशंस के दोनों तरफ टर्म दिए गए होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे टर्म्स को हम इक्वेशन के एक तरफ ला लेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट देख लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, देखिए ये x है, यहाँ पे भी x वाला टर्म है तो इसके साथ हम इसको इस तरफ ला देंगे। माइनस है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 25x प्लस 4 प्लस, यहाँ पे 50 प्लस है तो इस तरफ आ जाए तो क्या होगा? आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 46 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, हमें पता है प्लस माइनस है तो हमें आंसर कैसे मिलेगा? सब्सट्रैक्शन करके मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 अज्यूम करेंगे। सो 46 वन जा 46 हो जाएगा एंड 46 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 45। सो हमें फैक्टर्स मिल गए 46 एंड 1। ओके, अब हमें इसको साइन अलॉट करना है। प्लस माइनस है सो हमारा आंसर क्या होगा? एक माइनस एंड सेकंड प्लस। ओके, अब इसे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 है सो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर होगा। ठीक है, सो हमें वाई के दोनों ही रूट्स मिल गए, सॉरी एक्स के दोनों ही रूट्स मिल गए। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही तरफ रूट वाई का खेल है। ठीक है, दोनों तरफ रूट वाई है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए दोनों तरफ अगर हम रूट वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? रूट वाई इंटू रूट वाई, यहाँ पे वाई मिल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर रूट वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ही रूट वाई इससे कट जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? वाई इक्वल्स टू 3 + 4 = 7। ओके, ये इजीली समझ में आए ऐसा है, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए 3 / √y प्लस 4 / √y। ठीक है, इस पूरे टर्म्स को हम रूट वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सामने क्या दिया गया है? रूट वाई, इसको भी हम रूट वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? रूट वाई इंटू रूट वाई, यहाँ पे हमें वाई मिल गया। इस तरफ क्या हो गया? देखिए 3 / √y इंटू रूट वाई हो जाएगा, राइट? प्लस 4 / √y इंटू रूट वाई हो जाएगा। सो ये दोनों इस तरह से कट जाएंगे हमारे। सो यहाँ पे क्या बच गया? 3 + 4 = y। सो y की वैल्यू यहाँ से हमें 7 मिल गई। ओके, अब हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हो दोनों ही केसेस में y हमारा बड़ा हो रहा है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? y x इज लेस देन y। ओके,
आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टीज हो रही है, कुछ क्वेरीज है आपकी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी आपकी कमेंट्स को जल्दी से सॉल्व करने की। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।